दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि टैक्सेशन के ऊपर वीडियोस बनाई जाएं। तो आपके लिए खुशखबरी है कि हम बेसिक ज्ञान चैनल पर टैक्सेशन के ऊपर पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि टैक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स पेयर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, जैसे कि इनकम टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी और पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट को पे किया जाता है, जैसे कि GST। डायरेक्ट टैक्स इनकम एंड प्रॉफिट पर लगता है एंड इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो हम इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा और जान लेंगे, जिसमें मैं आपसे आज इनकम टैक्स हेड्स, टैक्स रेट्स, डिडक्शंस एंड TDS के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है जो कोई इंडिविजुअल या अदर एंटिटी अपनी इनकम और प्रॉफिट्स पर गवर्नमेंट को पे करता है। एंड इनकम टैक्स उस इनकम पर पे किया जाता है जो प्रीवियस ईयर में अर्न की होती है। चलिए ये जान लेते हैं कि इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर से क्या मतलब है। प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में एक SSC इनकम अर्न करता है, जो स्टार्ट 1 अप्रैल से होता है एंड एंड 31 मार्च को होता है। और जिस ईयर में इनकम एसेस की जाती है एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है, उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अभी चल रहा है September 2021, तो प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। तो इस पीरियड में जो हमारी इनकम अर्न हुई है, उसके लिए अभी इस असेसमेंट ईयर में ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी। अब ITR फाइल करने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको टैक्स पे ही करना है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से ज़्यादा है। लेकिन अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम है तो उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, बट ITR फाइल करना जरूरी होता है और इसके कई फायदे भी होते हैं। इनकम टैक्स स्लैब को हम डिटेल में आगे समझेंगे। पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स हेड्स की। इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं और किसी भी पर्सन की किसी भी टाइप की इनकम को इन्हीं किसी 5 हेड्स के अंडर एसेस किया जाता है। वो 5 हेड्स हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सैलरी इनकम वो इनकम होती है जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है उन सर्विसेज के लिए जिसके लिए उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। अगला, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ओनर को जब रेंट दिया जाता है बाय टेनेंट, उसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन में टोटल रिसीट्स में से एक्सपेंसिस लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, उसे इस हेड में असेस किया जाता है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में कोई भी प्रॉपर्टी, गोल्ड, शेयर्स एंड सिक्योरिटी सेल करने से जो प्रॉफिट और लॉस होता है, उसे कैपिटल गेन या लॉस कहते हैं। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ऐसी कोई भी इनकम जो बाकी के 4 हेड्स में कवर नहीं होती, उसे इस हेड में कंसिडर किया जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन FD, फैमिली पेंशन, कमीशन इनकम एटसेट्रा। और इन 5 हेड्स की टोटल इनकम को कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस वो एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट होते हैं जो ग्रॉस टोटल इनकम में से रिड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा। दोस्तों, डिडक्शन एक बड़ा टॉपिक है, आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी हमने बात की ग्रॉस टोटल इनकम एंड डिडक्शंस की। तो ग्रॉस टोटल में से डिडक्शंस लेस करने के बाद जो इनकम आती है, उसे कहते हैं नेट इनकम, जिस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। और टैक्स उन रेट्स पर कैलकुलेट किया जाता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो स्लैब रेट प्रिस्क्राइब की हुई है वो है, ये स्लैब रेट इंडिविजुअल एंड HUF के लिए है जिसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% एंड 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% और 10 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। इंडिविजुअल्स को एक और बेनिफिट भी दिया जाता है जिसे कहते हैं रीबेट। जिनकी इनकम 5 लाख तक होती है, उन्हें 12,500 तक की रिबेट मिलती है। इसका मतलब उन्हें 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। और सैलरीड इंप्लॉयज के लिए एक और बेनिफिट भी अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें ग्रॉस सैलरी में से 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। जैसे कि हमने अपर स्लैब रेट की बात की, वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और स्लैब रेट प्रिस्क्राइब की हुई है एंड आप ये रेट स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग भी 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता एंड 2.5 से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स ही पे करना पड़ता है। बट 5 लाख से ज़्यादा की इनकम पर टैक्स रेट्स अलग हैं एंड वो टैक्स रेट्स हैं 5 लाख से 7.5 लाख की इनकम पर 10%,
7.5 से 10 लाख पर 15%, 10 से 12.5 लाख पर 20%, 12.5 से 15 लाख पर 25% एंड 15 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% टैक्स लगता है। अगर इंडिविजुअल या HUF इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना चाहते हैं तो उनको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होती, एक्सेप्ट फ्यू डिडक्शंस जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं। आपके लिए दोनों स्लैब रेट में से कौन सी स्लैब रेट ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये हम आने वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है TDS। TDS मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसका मतलब है कोई भी पेयर, जैसे कि एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को पेमेंट करता है एज सैलरी, तब उस पेमेंट में से टैक्स डिडक्ट करता है। एंड ये टैक्स तब डिडक्ट किया जाता है जब पेमेंट प्रिस्क्राइब अमाउंट से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैलरी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट करेगा। TDS भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो का पर्पज़ आपको सिर्फ बेसिक आइडिया देना था कि इनकम टैक्स क्या होता है, कौन कौन सी इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में हम आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।